मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी इस वक्त तो मुझे 11:45, इस घड़ी के हिसाब से तो 11:30 होने चाहिए, लेकिन हम लोग सोकर ही 10 बजे के बाद उठे। व्लॉग भी मेरा जस्ट पड़ा है, मतलब ये था, थकान भी बहुत थी, कई दिन से हम लोगों को शेड्यूल ही ऐसे ही हो रहा था। तो मैं उठी हूँ, व्लॉग एडिट करा, मिनी व्लॉग रह गया है अभी भी, और बस रूम वूम क्लियर करती हूँ क्योंकि 1:30 बजे बैच है बच्चों का, तो उसमें शूट एक्सेट्रा होगा। बाल अभी ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल मेरे, क्या बताओ। तो मैं करूँगी ऑयलिंग, तो बस रूम वूम क्लियर कर रही हूँ, रूम क्लियर करने के बाद मैं ऑयलिंग करूँगी, आफ्टर दैट बाथ एंड ऑल चीज़। तो गाइस अभी देखो यहाँ पे मम्मी का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है और अभी बज रहे 12, क्योंकि भाई आज हम लोग 11 बजे उठे हैं और मम्मी ने सोचा फटाफट उठे, उठो, मैं तो 10 बजे उठ गई। तो हम उठाएगा नहीं मुझे, इतनी ठंड में कौन उठाता, ठंड इतनी थी। अब गर्मी में तो उठा दोगी, ठंड में नहीं उठाओगी। क्या गर्मियों में गर्मी होती है, गर्मियों में ना मम्मी फिजिकल उधर गर्मियों में ना फिर हम लोग एसी में पड़े रहेंगे, इसलिए भी खेल रहा हूँ आजकल। सो गाइस जस्ट अपना रेडी हो गई हूँ, मैं हेयर वॉश किया है एंड ऑयलिंग भी करी थी, हेयर वॉश भी किया, सब भी है फिर। एंड अभी मैं चल रही हूँ ड्राई करने के लिए, ठंड बहुत थी, हालांकि हनी मना कर रहे थे कि मैं आज मत कर, लेकिन बाल इतने ख़राब इतने रफ़ हो रहे थे ना मेरे कि उनको ऑयलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और ऑयलिंग ना अब इतनी सर्दी में छोड़ने का मतलब है कि ठंड खाना। तो अभी फिलहाल रेडी हो चुकी हूँ, मतलब नहा दो कि अपना जो ड्रायर करूँगी, नाश्ता करूँगी, उसके बाद रूम वूम क्लियर करूँगी, गोलू को रेडी करूँगी। गोलू को बिल्कुल भी नहीं नहलाऊँगी मैं आज, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, और बस उसको चेंज वेंज करा के तब तक मेरे बच्चे भी आ जाएंगे। सो गाइस ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड अभी आया है पार्सल्स, वो भी 3-3 पार्सल्स आए हैं, 1 फ्रॉम मीशो, 2 फ्रॉम फ्लिपकार्ट। आउट ऑफ दैम कैमरा गंदा हो रहा है, आउट ऑफ देम वन इज हीटर अनदर इज माई ड्रेस। तो अभी मैं तो लेने आई हूँ सिर्फ पैसे, एक तो मेरा पर्स नहीं मिलता टाइम पर, कभी भी मिला 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 भाई साहब मिला, अदरवाइज मेरा पर्स तो मिलता ही नहीं है। एक्चुअली इतने सारे पर्स करे रखती हूँ ना मैं किटीज की वजह से, तो बस फायदा ही होता है किसी भी पर्स में से निकाल के दे देती हूँ। तो गाइस पार्सल्स ये है एक मैं रखी आई हूँ, पर ये लाइट तो दे ही नहीं रहा गोलू, ये ऑन तो यहाँ से होगा ना, इसे ऑन यहाँ से करो। अरे कुछ ऑरेंज ऑरेंज से लग रहा है या मुझे रोशनी लग रही है ऐसी, अरे वो पीछे वो बंद करके आओ लाइट जरा, और मुझे इसका ये बॉक्स उठाओ, मेन्यू है तो वो कहाँ है इसकी, मेन्यू मेन्यू नहीं कहते हैं इसको, मैनुअल है ये, मैनुअल। ओ ये क्या है, पाउचेस देखो मम्मी, ये भी निकला कुछ, आई थिंक पॉइजन होता है ना, नहीं नहीं जली नहीं रहा, नॉइसलेस होते तो यहाँ पे लिखा है नॉइसलेस और ऑपरेशन कुछ ऐसे लिखा है, और ऑपरेशन ही नॉइसलेस ऑपरेशन, और क्या है ISL सर्टिफिकेट फॉर सेफ्टी, सेफ्टी टिप स्विच। गाइस अभी तो देखो हमारा हीटर आ चुका है यहाँ पर, और अभी मैंने इसकी 2 लाइट नहीं जला के रखी क्योंकि ना भाई इससे ऑक्सीजन की कमी हो सकती, तो इसलिए भाई मैं 1 ही लाइट जला रहा हूँ, मम्मी ने बताया मुझे अभी, तो इसलिए भाई मैं तो, और मैं भी नहाया हुआ है कुछ नहीं है, मैंने मुँह हाथ तक नहीं धोया, बस मैंने ब्रश करा है और नाश्ता करा है, भाई आराम से मैं आज मुँह हाथ धोऊंगा, और भाई आराम से मैं ना फिर कपड़े वगैरह चेंज करके यहीं बैठा रहूँगा और कुछ पढ़ाई वगैरह हाँ करूँगा, बट करनी तो पड़ेगी यार। चलो अब हम लोग इधर ही बैठे रहेंगे टीवी चला के बैठते हैं। चलो भाई अभी तो मिलते हैं बाद में, ओके हो 1:30 भी बज गए भाई आज, पता है कितने बजे उठाऊँ मैं,
आज मैं 12 बजे उठा, नहीं 12-1 बजे उठा हूँ मैं, नहीं 11-12 बजे उठा हूँ और खेलने चला गया, मतलब खेलने चला नहीं गया, पीछे प्रैक्टिस कर रहा था लेदर बॉल से, और हम लोग इधर बैठते थोड़ी देर आराम करते हैं। आई हूँ मैं बैच लगा के शूट करा था, शूट करके ना सच्ची कहूँ ड्राइंग रूम में, मैंने बताया ही है कि ड्राइंग रूम में ना ठंड बहुत होती है, उससे सर में दर्द हो गया। अब तो बोल भी नहीं सकते किसी से कि सर में दर्द हो रहा, खा जाएंगे कहेंगे सब लोग और कर लो, क्योंकि ना जब शूट होता है सब कॉटन का ड्रेसअप होता है, हाफ स्लीव्स फुल स्लीव्स डिपेंड करता है किस तरीके से, सॉक्स वगैरह सब कुछ उतार ही देते हैं हम लोग। और फिर जब शूट होता है बहुत सारे रीटेक्स होते हैं, कभी हाथ कट गया, कभी पैर, मतलब कभी स्टेप्स कट जाते हैं, कुछ ना कुछ रहता है, तो 1-1.5 घंटा तो हम लोग ऐसे घूमते हैं। और ना सच्ची कहूँ सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया। एनीवे सोच रही हूँ मैं कि थोड़ी देर ना सो जाऊँ मैं, सो के शायद थोड़ा सा रिलैक्स फील करूँगी। 5 बजे तो मतलब 5 बज रहे हैं, मे बी आज शायद फिटनेस क्लास ना, संडे है, संडे की फिटनेस क्लास वैसे ऑफ होती है, लेकिन मे बी 1% हो सकता है आज क्लास हो फिर से, तो मैं सोच रही सो जाऊँ थोड़ी देर। सो गाइस बज रहे हैं अभी शाम के 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। तो गाइस मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ वहीं पर वस्त्र वितरण में, हाँ। तो जस्ट कॉल आया, पहले प्रोग्राम नहीं थे संडे का, आज रेंडम प्रोग्राम बना 3 बजे, मैंने मैसेज देखा नहीं, 3 बजे मैसेज डाल दिया था कि आज भी वस्त्र वितरण होंगे, तो रेडी हो चुकी हूँ मैं। तो हैवी सा कोट डाला है, मफलर डाला है कि भाई ठंड बहुत ज़्यादा है। फ़ोन लगाऊंगी अभी थोड़ी देर में चार्जिंग के लिए, क्योंकि बैटरी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है रास्ते के लिए। तो बस गाइस रेडी हो चुकी हूँ, हनी के आने का वेट कर रही हूँ, हनी आएंगे तो उसके बाद ही हम दोनों निकलेंगे। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं फिर से। ओ छोटू, ओ बेटा इधर आ जाओ, आ जाओ, ओके बेटा, कपड़े ले लो गरम, आप तो मोजे ना ले, मोजे ले लो, मोजे लेके आए हैं, मोजे हैं, हां मोजे हैं, आओ गरम कपड़े लोगे, मोजे ना लो, अरे मोजे जिसकी थैली में है, अरे कमल आ गया, कमल चाहिए किसी को, कमल कहाँ है, आओ अभी रुको, अभी देखते हैं जैसे लेनी, चलो बेटा नहीं बुला ला भैया, ओके फोटो खिंचाओ, चलो बाय, है ना 10 बजे आएगी। तो वीडियो अरे तुम हम लोग एक जगह वस्त्र वितरण करने रुके और वहाँ इतना, चलो अरे यहाँ क्यों रुके हो साहब, लाइन पटो, लाइन पटो, लाइन पटो, कल हम बैठे तब को मिला, ओए हाय, सेल्फी बाजी हो रही है। तो गाइस हम लोग अभी बढ़ चुके हैं आगे वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के, एंड मुझे ऐसा लगता है वहाँ इतना कपड़ा चाहिए होता है, हमने हमने अब ये सोचा है कि कल सबसे पहले हम यहीं पर आके रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतने तादाद में बच्चे और जेंट्स लेडीज थे जिनके पास सर्दी होगी कपड़ों की थोड़ी सी, तो अभी हम लोग वहाँ से तो निकले हैं और कल फिर हम चले आएंगे। और ये सब देखो इस तरीके से हमारा काफिला बढ़ता है आगे की तरफ, ठंड में मोनू भैया लगा लो मफलर, आप लगा सकते हो।
सो गाइस ये देखो, हमने मतलब एक दिन पहले से बोल रखा था कि भाई हमें बच्चे ऐसे जरूरतमंद लोगों को कुछ देना है, तो ये देखो भीड़ यहाँ पर आ चुकी है। तो भाई यहाँ का काम तो निपटा, अब हम बढ़ते हैं फिर से आगे की तरफ। हाँ मैं हूँ। ये है तो गाइस हो चुका है आज का कार्यक्रम हमारा, इसी जगह विराम लेते हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं। देखो सब लोग जा रहे हैं। चलो भैया बाय। भैया चलो बाय 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 बाय। क्या कर रही है? सो गाइस बज रहे हैं अभी रात के 9 और जस्ट हम लोग आए हैं। ठंड बहुत 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 ज़्यादा थी, मेरा तो ये चीज़ ना बहुत जल्दी दुख जाती है। आते के साथ ही सबसे पहले तो हीटर चालू करा, तो जो है अभी हम लोग बैठे हैं, डिनर वगैरह अभी थोड़ी देर में मैं लगाऊंगी, गर्म करूंगी, उसके बाद चाय पीऊंगी, क्योंकि शाम की चाय ना बहुत जल्दबाजी में पीती है और हम लोग ना शाम को साथ ही चाय पीना पसंद करते हैं। डेली तो नहीं बट संडे और मॉर्निंग को तो मोस्टली हम लोग साथ ही चाय पीते हैं। तो बस थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, आँखें मीच के लेटूंगी थोड़ी देर, ये फ़ोन चलाएंगे, मैं आराम से रिलैक्स होकर थोड़ी देर लेटूंगी, क्योंकि जब मेरे सर में दर्द होता है उस टाइम फ़ोन बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मेरे को। सो गाइस बज रहे हैं अभी रात के 12:15 और मैं अपने घर का कुछ सीन दिखाती हूँ। तो देखो जिस टाइम मैं आई थी ना, तब तुम दोनों की कह रही हूँ मैं, भाई मुझसे मत क्यों, तुमने भी खाया। तो गाइस जब मैं आई थी मैंने डिनर करा था, ठीक है, डिनर हमारा सब रेडी था, डिनर करा था, तो उस टाइम अच्छे से खा लो, हमें भूख नहीं। और अब देखो ये सीन देखो, नहीं बेटा पराठा नहीं है, मिस्सी है, अब सिर्फ मिस्सी ला दे, नहीं मिस्सी भारी होती है। तो गाइस बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, टिल देन टेक केयर। वो ये माइक्रोवेव करें ना इसलिए एकदम हो जाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, टिल देन टेक केयर, डू मोर शेयर डू मोर लाइक्स, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करने, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।